हेलो हेलो, मैं हूँ जेडी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पत्ते की बात। तो आइए चलिए इस पोकर की दुनिया में जहाँ किस्मत से ज्यादा दिमाग काम आता है। आइए चलिए आज सिक्स मैक्स सिटिंगो का हैंड खेलते हैं। हमने पहले ही थोड़ा ऐसा डायनेमिक इस सिटिंगो में देख लिया था, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आदित्य जिनके पास अभी क्वीन जैक है वो बहुत ज्यादा रेस कर रहे थे अपना बटन, हर बार बटन रेस किए थे। तो यहाँ आदित्य के पास लेजिट हैंड है बटन पे रेस करने का, क्वीन जैक वैभव अपना हैंड फोल्ड कर चुके हैं एंड श्रीकांत जो काफी देर से देख रहे हैं ये चीज को अपने किंग्स के साथ। देखते हैं श्रीकांत किस तरह जाते हैं एंड श्रीकांत जस्ट कॉल्स। अब देखिए दो क्वींस आ गई फ्लॉप पे तो आप बोलेंगे अरे सिर्फ कॉल क्यों किया, पर श्रीकांत का यहाँ पर प्ले बहुत सही है। ही इज ऑन द शॉर्टर साइड, 100-200 बिग ब्लाइंड है, 30 बिग ब्लाइंड के वो अंडर है। उनका ओपोनेंट जिसने फ्लॉप पे काफी बार बेट करते हुए देखा गया है तो उसके अगेंस्ट थोड़ा वो बहुत बड़े हैंड्स भी ट्रैप करना चाहते हैं। यहाँ पर किंग्स फ्लैट किए हैं, अनफॉर्चुनेट कि वो ओपोनेंट ने ट्रिप्स लगा दिए हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल प्लेयर हु इज सी बेटिंग अ लॉट ऑन द फ्लॉप। वो प्री फ्लॉप बहुत ज्यादा रेज कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हैंड्स रेज कर रहा है। यहाँ पर आदित्य को हम देखते हुए कि वो बेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ भी कंटिन्यू करें, लिटरली उनके पास तो ट्रिप्स लगे हुए हैं। श्रीकांत का हैंड किंग्स ऑब्वियस कंटिन्यू, कोई दिक्कत ही नहीं एंड देखते हैं आदित्य टर्न पे क्या साइजिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टर्न पे थोड़े स्ट्रेट ड्रॉज, फ्लश ड्रॉज, ये सब चीज़ें और बढ़ती हुई एंड साइजिंग इन्होंने करी है हाफ पॉट के आसपास। श्रीकांत का हैंड अभी भी जानते हैं कि उनके ओपोनेंट अगर उनके ओपोनेंट ने टर्न पे नाइन लगाया है तो उसे भी वैल्यूएट कर सकता है ऐसे, और जो हाथ में पेयर्स हैं उनको वैल्यूएट कर सकता है। तो यहाँ पर भी उनका स्ट्रेट कॉल है। अब स्टैक टू पॉट रेशियो तो रिवर पे 1:1 ही बच गया। यही देखना चाह रहे हैं वो कि आदित्य कितनी बार यहाँ पर ट्रिपल बैरल शव करेंगे एज अ ब्लफ। अब देखिए श्रीकांत के पास खुद हाथ में किंग ऑफ स्पेड्स नहीं है, इसका मतलब आदित्य के पास थोड़े कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें वो स्पेड्स जो हाथ में हो, जैसे किंग 10 ऑफ स्पेड्स जिसने टर्न पे स्ट्रेट ड्रॉ गट शॉट भी लगा दिया है, या किंग 9 ऑफ स्पेड्स आखिरी में वैल्यू शव करेगा क्या वो। तो ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में आ रही होंगी, जिस चीज़ को वो हरा रहे हैं वो सिर्फ फ्लश ड्रॉज हैं या उनका ओपोनेंट जो अपने हैंड को ओवर वैल्यू कर रहा है। अ हैंड लाइक एस 9 माइट बी ओवर वैल्यू ओवर हियर टू गेट कॉल्ड बाय अ 7, अ हैंड लाइक 10 जैक्स उसको भी हरा रहे हैं। पर अब यही प्लेयर टेंडेंसी की बात है, क्या श्रीकांत सही में सोचते हैं कि आदित्य यहाँ पर अपने 9 के लिए मैक्स वैल्यू के लिए जाएंगे, या वो हमेशा यहाँ पर क्वीन या बेटर से ही करेंगे। क्वीन या बेटर मतलब या तो ट्रिप क्वींस या कुछ हैंड जैसे पॉकेट 7s, पॉकेट 9s, पॉकेट 3s जो फुल हाउस हो, मतलब ट्रिप क्वींस से बड़ा हो। तो श्रीकांत ने ये हैंड थोड़ा स्टार्टिंग में ट्रिकी खेला था, पर अब उनको अपनी ओपोनेंट टेंडेंसी से पकड़ना है। यहाँ पर हैंड तो अंडर रेप्ट है उनका मानते हैं, पर क्या उनका ओपोनेंट सही में 3 बैरल करेगा जिसके पास किंग्स हरा रहे हैं उस हैंड को। तो श्रीकांत ने एक्चुअली जब खेल रहे थे इतना टाइम लगाया भी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से खेले होंगे इन लोगों की एक दूसरे के साथ टेंडेंसीज रही होंगी कि हम आदित्य को फ्लॉप पे काफ़ी बार बेट करते हुए देखे हैं पर फॉलो थ्रू काफ़ी बार नहीं देखे हैं। तो श्रीकांत ने जितनी आसानी से वो फोल्ड किया, मैं तो थोड़ा शायद फोल्ड कर देता लेकिन थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन श्रीकांत को अपना ओपोनेंट बिल्कुल सही तरह से पता और ट्रिप अपने हाथ का जो किंग्स था बहुत आसानी से फोल्ड करते हुए मिनिमम लॉस। लेकिन अगर सिर्फ एक क्वीन लगती तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो श्रीकांत ही कर ले जाता।